नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों भी देख सकते हैं 6:32 दिन शनिवार और आज डेट है 29 मई। आज के इस वीडियो में आपको माँ मंगला गौरी के दर्शन कराने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कई सारे सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे थे कि भैया आप प्राचीन मंदिरों दिखाइए जो बनारस में है। ये देख सकते हैं सामने शौचालय बनाया गया है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर स्नान लोग कर रहे हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको चल के। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर आपको देखने मिलेंगे अंदर। ये देखिए इस मंदिर का स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बनाया गया है, नक्काशी देखिए आप कितनी बारीक नक्काशी की गई है। ये शिव जी का मंदिर है, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। जैसे गणेश जी का लगा है मूर्ति, देखिए नक्काशी। आज का दोस्तों मौसम काफ़ी साफ है और प्रदूषण बहुत कम हो गया बनारस में। देख सकते घाट का देखिए, यहाँ पर पंचगंगा घाट के बारे में लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक मस्जिद है, आलमगीर मस्जिद, जैसे यहाँ पे लिखा पंचगंगा घाट। दोस्तों ये वीडियो मैं सुपर व्यू मोड बना रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक जगह कैप्चर हो सके। मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरी भजे सो हरी का होए, पंचगंगा घाट। दोस्तों आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि वाराणसी का जो गंगा जल है कितना साफ़ हो चुका है पानी। ये देखिए ये कंगन वाली हवेली है और सामने ये मस्जिद है। दोस्तों कहा जाता है जो कंगन वाली हवेली है, यहाँ की महारानी का कंगन गिर गया था गंगा जल में, तो गंगा नदी में गिरने के बाद जो उसे ढूंढा गया तो उस पैसे से ये मंदिर ये हवेली बनाई गई थी, इसीलिए इसे कंगन वाली हवेली कहा जाता है। देख सकते हैं बालाजी घाट है, यहाँ पे बोर्ड लगना बाकी है भी, देख सकते हैं। देख सकते हैं ग्वालियर घाट है, बगल में जटार घाट जिसे जड़ायु घाट भी कहते हैं। चलिए मैं पानी दिखाता हूँ यहाँ कितना साफ है कितना नहीं, क्योंकि बिना इसके वीडियो ये अधूरा रहेगा, इसलिए। जैसे घाट पे साफ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए पानी यहाँ का कितना क्रिस्टल क्लियर है। लोग कहते हैं गंगा जी में मोदी जी ने क्या किया, तो गंगा नदी को साफ किया, यही काम किए हैं। चलिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं मंदिर। यहाँ पर स्वच्छता हेतु यहाँ पर देख सकते लगाया गया है डस्टबिन। एकदम खड़ी सीढ़ी है, चढ़ने में सांस खुल जाएगा।
पंडित जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मंदिर मतलब क्या खासियत है इस मंदिर की, मान्यताएँ क्या है? यहाँ पंच जो है मंगलागौरी मंदिर है। हाँ, यहाँ पंच जो है मंगलागौरी को गवर्नेश्वर महादेव शालिग्राम में, शालिग्राम की मूर्ति कहीं आपको नहीं मिलेगी, ये शालिग्राम में मैका विश्वर मैका सूर्य और छप्पन विनायक मंगल विनायक छप्पन विनायक और आदिकेश्वर आदिकेश्वर पंचदेव मंदिर है। और ये स्वयंभू है, स्वयंभू है अपने से कई हजार वर्ष से उत्साह की मैं सुना रहा हूँ, इनके तपस्या से मंगलागौरी गवर्नेश्वर प्रगट हुए। और जो लड़की शादी ब्याह नहीं होता है, मंगली रहती लड़का है, शादी जन्मा वक्त चलाता बढ़ाता है, वहाँ दर्शन करने से उनकी शादी। किस दिन यहाँ दर्शन करना शुभ माना जाता है? मंगलवार को, बहुत काफ़ी मंगलवार को। हाँ, तो यहाँ से मंगला की सदा चुकी बहुत यहाँ दर्शन करिए, ताकि मंगलवार को उनका विशेष है। मंगलवार को विशेष था, जैसे होता है कि अभी लड़का मंगला रहा या लड़की मंगली, दोनों में से एक को उसमें अधिकतर वो ज़्यादा खत्म हो जाते हैं। और अच्छा, मतलब जो मांगलिक लोग हैं वो भी यहाँ दर्शन करके मतलब सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य प्राप्त करती है, उसके बाद अगर जिसका अधिक मंगली हो, जिसको लगे नर्सी अधिक मंगली हो, उसका कुंभ विवाह होता है या वट के पेड़ से, या तो मंगलागौरी में यहाँ सोने की प्रतिमा, विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा वो पूजा होता है, तो वैसा कोई अनर्थ नहीं होता। ये जैसे ऐश्वर्या राय वहाँ संकट मोचन कर गया था, तो ये महात्मा की और मंगला मुक्ति सदा सुखी है, जिसका शादी ब्याह नहीं होता है यहाँ आते ही माता रानी से प्रार्थना करती हैं तो बढ़िया वर मिलता है। अगर पंडित जी को संपर्क करना चाहिए आपसे तो कैसे हो, क्या नाम है आपको बता सकते हैं? मेरा नीरज पांडे है। नीरज पांडे जी, मैं सुबह 4 से 8 का समय मेरा यहाँ 4 से 8 से मिलता है। हाँ, 4 से 8 के समय मिलती है, उसके बाद मेरी बैंक की जॉब है, मैं 9 बजे के लिए बैंक निकल जाता हूँ। 8 बजे से मैं यहाँ, चाहे जाड़ा रहे गर्मी रहे बरसात रहे, मंदिर खोले आरती पूजा की, आरती पूजा करके वो मेरा काम है, उसके बाद ना पूजा करके 8 बजे निकल गए, उसके बाद फिर नज़र नहीं आएगी फिर दूसरे दिन, अगर जीवित रहे तो फिर आएंगे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।